हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना जॉब्स पेज कंप्लीट कर लिया था और फिल्टर्स को भी अप्लाई कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग जॉब डिटेल पेज पर वर्क स्टार्ट करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल और आ जाते हैं VS कोड में। सो सबसे पहले यहाँ पर मैं ओपन करूँगा जॉब्स कंट्रोलर, और लास्ट वीडियो में यहाँ पर कीवर्ड्स, कैटेगरी और एक्सपीरियंस मैंने शो किया था, ठीक है? तो ये UI का पार्ट नहीं था, तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ सबसे पहले। सो इसके लिए मुझे जॉब्स ब्लेड को ओपन करना होगा, ठीक है? तो एक काम करता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ इस तरह से। ओके, तो अब ये यहाँ पर हाइड हो जाएगा, सही है? तो अपना UI यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है। तो नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम जाएंगे जॉब्स कंट्रोलर में और यहाँ पर एक मैथड बनाएंगे। सो मैं मैथड बना लेता हूँ पब्लिक फंक्शन, और इस मेथड का मैं नाम दे देता हूँ डिटेल। ओके, सो बेसिकली इस मेथड की हेल्प से हम अपना जॉब डिटेल पेज डिस्प्ले करेंगे, शो करेंगे। दिस मेथड विल शो जॉब डिटेल पेज। ओके, और इसके फर्स्ट पैरामीटर में हम रिसीव करेंगे जॉब का ID। ओके, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर, पहले मैं इको कर लेता हूँ, सॉरी, $ID। ओके, तो ये हमारा जॉब आईडी होगा। सो नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, हम लोगों को एक राउट डिफाइन करना होगा। तो मैं web.php फाइल ओपन कर लेता हूँ। ओके, और इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जॉब्स के बाद डिटेल, और डिटेल के बाद यहाँ पर इस तरह से मैं लिखूँगा, सॉरी, इस तरह से आईडी। ओके, तो यहाँ पर ये क्या है, ये है जॉब का आईडी, और यहाँ पर हमारा मेथड कॉल होगा डिटेल, और इस राउट का नाम होगा जॉब डिटेल। ओके, सो अब हमें क्या करना है, हम लोगों को जाना है जॉब्स ब्लेड में। ओके, और जहाँ पर हमारा ये जो डिटेल वाला बटन था, यहाँ पर अपना लिंक अप्लाई कर देना है। सो यहाँ पर मुझे लिखना है राउट। ओके, फिर यहाँ पर मुझे लिखना है जॉब डिटेल, जॉब डिटेल, और इसके सेकंड पैरामीटर में यहाँ पर मैं पास करूँगा जॉब का आईडी, तो जॉब आईडी। ओके, सो ठीक है यहाँ पर इतना। अभी मैं यहाँ पर रिलोड करता हूँ, तो अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर पहले तो URL देखो। सो URL क्या है, jobs/detail, और उसके बाद जॉब का आईडी जिसको मैं रिसीव कर चुका हूँ, और यहाँ पर ये प्रिंट भी हो रहा है, तो इतना सही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। सो एक काम हमें और करना है कि हमें होम पेज पर भी ये लिंक अप्लाई करना होगा। तो होम पेज पर भी एक डिटेल का बटन है, इस पर भी वो लिंक अप्लाई कर देते हैं। ओके, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर होम ब्लेड में। ओके, और होम ब्लेड में डिटेल बटन कहाँ पर है, तो फीचर्ड जॉब्स। ओके, सो ये रहा हमारा डिटेल बटन, तो यहाँ पर सेम लिंक अप्लाई होगा जो कि मैंने यहाँ पर दिया है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इस तरह से दे देते हैं। तो ये लिंक हम लोगों ने दे दिया फीचर्ड जॉब्स में, अब इसी लिंक को हम दे देते हैं लेटेस्ट जॉब्स में। तो ये रहा हमारा बटन, और यहाँ पर हम लोगों ने लिंक दे दिया है। अच्छा, यहाँ पर वेरिएबल होगा लेटेस्ट जॉब का आईडी, और ऊपर भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर है फीचर्ड जॉब, तो यहाँ पर वेरिएबल हमें चेंज करके लिखना होगा फीचर्ड जॉब का आईडी। ओके, तो अब मैं यहाँ पर रिलोड कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं अगर क्लिक करूँ तो ठीक है, यहाँ पर भी सही लिंक अप्लाई कर लिया यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो भी ठीक है। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने लिंक अप्लाई कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हम लोगों को एक ब्लेड फाइल क्रिएट करना है, ठीक है? तो ब्लेड फाइल क्रिएट कर लेते हैं। सो ब्लेड फाइल कहाँ पर होगा, यहाँ पर व्यूज़ के अंदर, फ्रंट, फ्रंट के अंदर यहाँ पर हम एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम हम देंगे जॉब डिटेल डॉट ब्लेड डॉट PHP। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें अपना पेरेंट लेआउट एक्सटेंड करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए डमी वाला जो ब्लेड है इसको मैं फिर से ओपन करूँगा, इसका सारा कोड हमें क्या करना है, कॉपी कर लेना है, कॉपी कर लेने के बाद जॉब डिटेल ब्लेड में पेस्ट कर देना है। ओके, और इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये सेंटर वाला पार्ट है,
ये जो सेक्शन टैग है इसको हम यहाँ से हटा देंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस ब्लेड फाइल को हम कॉल करेंगे डिटेल मेथड के अंदर। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा रिटर्न व्यू और जॉब, सॉरी फ्रंट डॉट जॉब डिटेल। ओके, तो अब अगर हम यहाँ पर क्लिक करें फिर से, तो अभी यहाँ पर हमारा हेडर आ गया और फुटर आ गया। अब सेंटर वाला पार्ट हमें लेकर के आना है अपने टेम्पलेट फाइल से। तो टेम्पलेट तो हमारा पहले से रेडी है और उसको मैं आप लोगों को शेयर भी कर चुका हूँ। तो इसके लिए मुझे अपने टेम्पलेट वाले फोल्डर में जाना होगा, सो जॉब पोर्टल टेम्पलेट, और जॉब डिटेल डॉट एच टी एम एल को मैं ओपन कर लेता हूँ वी एस कोड में। ओके, और यहाँ पर हेडर के बाद जो सेक्शन टैग है इसको मैं मिनिमाइज़ करके इस तरह से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी कर लेने के बाद में जॉब डिटेल ब्लेड में जाएंगे, यहाँ पर इस तरह से पेस्ट कर देंगे। अब अगर मैं यहाँ पर रिलोड करूँगा तो हमारा जॉब डिटेल पेज यहाँ पर आपको दिखने लगेगा। सो अभी यहाँ पर जितना भी कंटेंट आ रहा है ये क्या है, ये डमी कंटेंट है, ठीक है, स्टैटिक कंटेंट है, इसको हम रिप्लेस करेंगे और यहाँ पर अपना जॉब डिटेल का जो भी कंटेंट है वो डिस्प्ले करेंगे। ओके, तो अब एक काम करते हैं, जॉब्स कंट्रोलर में जाते हैं, यहाँ पर जॉब का डिटेल फेच कर लेते हैं जॉब की आईडी के बिहाफ पे, यानी कि डॉलर आईडी के बिहाफ पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जॉब को फेच करना है। अगर हमें जॉब डेटाबेस में मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, जॉब का इन्फॉर्मेशन ब्लेड फाइल में पास कर देंगे। सो अगर जॉब नहीं मिलता है तो हम यहाँ पर 404 नॉट फाउंड का पेज शो कर देंगे। ओके, सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जॉब इक्वल्स टू जॉब मॉडल। ओके, और यहाँ पर मैं लिखूंगा वेयर आईडी डॉलर आईडी, जो कि हमारा जॉब का आईडी है। और यहाँ पर एक काम हमें और करना है, यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, एरे बना लेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैं दो क्लॉजेस का यूज़ करूँगा, पहला तो हमारा जॉब का आईडी के बिहाफ पे और दूसरा यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा स्टेटस। तो यहाँ पर मैं स्टेटस भी चेक करूँगा कि स्टेटस हमारा क्या होना चाहिए, स्टेटस हमारा एक्टिव होना चाहिए। सो एक्टिव जॉब को ही हम यहाँ पर शो करेंगे, और जॉब अगर एक्टिव नहीं होगा तो हम यहाँ पर 404 नॉट फाउंड का पेज शो कर देंगे। सो इसको थोड़ा सा इस तरह से रखते हैं तो जिससे कि देखने में आसानी रहे, समझने में आसानी रहे। सो यहाँ पर मैंने जॉब का आईडी मैच कर लिया है, साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ये चेक करा है कि जॉब एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लिखना है फर्स्ट, ओके, फर्स्ट मेथड। तो अब एक काम करते हैं, यहां पर मैं इसको डीडी करके आपको दिखा देता हूं। सो अब अगर रिलोड करेंगे तो यहां पर आप जॉब का इंफॉर्मेशन देख सकते हो। तो एट्रीब्यूट्स में ये एरे हमारे पास टाइटल है, मतलब पूरा इंफॉर्मेशन यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो। तो अब इस इंफॉर्मेशन को हम अपने डिटेल पेज में शो कर लेंगे। तो शो करने से पहले अपना कंडीशन तो यहां पर लगा लेते हैं, क्योंकि कंडीशन लगाना जरूरी है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इफ, और अगर मुझे जॉब मिलता है इक्वल इक्वल नल, ठीक है, जॉब की वैल्यू अगर नल है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अबोर्ट अबोर्ट, और अबोर्ट के अंदर मैं लिखूँगा 404। सो ये क्या करेगा, 404 नॉट फाउंड का पेज शो कर देगा। अब इसे टेस्ट कैसे करेंगे, तो टेस्ट करना बड़ा ही आसान है, यहाँ पर हम कोई भी रैंडम नंबर इस तरह से डाल देते हैं और एंटर मार देते हैं। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि इस आईडी से रिलेटेड कोई भी जॉब उसे नहीं मिला, ठीक है, तो इसलिए उसने यहाँ पर 404 नॉट फाउंड पेज डिस्प्ले किया। क्यों डिस्प्ले किया, क्योंकि वो इस कंडीशन के अंदर आया, ठीक है, और इस कंडीशन के अंदर मैंने अबोर्ट मेथड यूज करा है, ओके, और अबोर्ट मेथड के अंदर 404 दिया, तो यहाँ पर तो उसने 404 नॉट फाउंड का पेज यहाँ पर शो कर दिया। तो इतना ठीक है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं और डॉलर जॉब को हम यहाँ पर डिटेल में पास कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा जॉब, सॉरी, जॉब इक्वल्स टू डॉलर जॉब। तो अब जाते हैं जॉब डिटेल ब्लेड में, ओके, और वन बाय वन जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर शो कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें शो करना है टाइटल, तो यहाँ पर टाइटल शो कर लेते हैं, जॉब का टाइटल, ओके। इसके बाद है लोकेशन यहाँ पर, तो यहाँ पर लोकेशन शो कर देते हैं, तो यहाँ पर हमें लिखना है जॉब का लोकेशन। नेक्स्ट हमें यहाँ पर शो करना है जॉब का टाइप,
तो जॉब का टाइप शो करने के लिए यहाँ पर हम मुझे यूज़ करना होगा रिलेशन का, तो रिलेशन को कॉल करना होगा पहले यहाँ पर। सो यहाँ पर मेरे पास दो रिलेशन्स हैं, पहला रिलेशन है जॉब टाइप और दूसरा रिलेशन है कैटेगरी। ओके, तो जॉब टाइप रिलेशन को मैंने यहाँ पर कॉल कर लिया और दूसरा रिलेशन है कैटेगरी। ओके, सो अब मैं जाता हूँ वापस से जॉब डिटेल ब्लेड में। ओके, और यहाँ पर मैं शो कर लेता हूँ जॉब का जॉब टाइप और उसका नेम। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हमने जॉब टाइप अब शो कर लिया है। नेक्स्ट मुझे क्या शो करना है, नेक्स्ट है जॉब का डिस्क्रिप्शन। तो ये यहाँ पर मैं हटा देता हूँ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और यहाँ पर मैं जॉब का डिस्क्रिप्शन शो कर देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे लिखना है जॉब का डिस्क्रिप्शन, सॉरी जॉब होना चाहिए यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट मुझे शो करना है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसको भी हटा देता हूँ यहाँ पर जॉब का। अच्छा, यहाँ पर ब्रैकेट्स डबल हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने यहाँ पर शो कर दिया है और ब्रैकेट्स में हटा देता हूँ। ओके, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैंने शो कर दिया। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशंस, तो क्वालिफिकेशंस मैंने यहाँ पर शो कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पर बेनिफिट्स शो करना है मुझे, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और सॉरी ये कुछ इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए बेनिफिट्स। ओके, तो अभी देखते हैं यहाँ पर कितना इन्फॉर्मेशन हमारे पास आया। एक्चुअली मुझे यहाँ पर बैक करना होगा, अब रिलोड करते हैं। तो यहाँ पर ये आ गया जॉब का टाइटल, सीनियर डेवलपर रिक्वायर्ड, जॉब डिस्क्रिप्शन। और एक काम कर लेते हैं, अपना अकाउंट पैनल भी ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैं जाता हूँ माई जॉब्स में, सीनियर डेवलपर रिक्वायर्ड, तो ये वही जॉब है। ओके, यहाँ पर मैं एडिट करता हूँ, तो टाइटल है सीनियर डेवलपर रिक्वायर्ड, तो ठीक है यहाँ पर सीनियर डेवलपर रिक्वायर्ड सही है टाइटल। नेक्स्ट है यहाँ पर फ्रीलांस टाइप का ये जॉब है, फ्रीलांस सही दिखा रहा है यहाँ पर। लोकेशन मैंने क्या दिया यहाँ पर, तो लोकेशन मैंने दिल्ली दिया था, तो यहाँ पर दिल्ली आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर है जॉब डिस्क्रिप्शन, सो वी आर सीकिंग अ टैलेंटेड, तो यहाँ पर अगर देखें, हाँ तो यहाँ पर वी आर सीकिंग अ टैलेंटेड, यही टेक्स्ट वहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पर है, यहाँ पर है। ओके, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है, कोलेबरेट विद क्लाइंट्स टू अंडरस्टैंड देयर, तो यहाँ पर भी वही टेक्स्ट है, पर एक डिफरेंस है यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप लोग देखो टेक्स्ट एरिया में, तो यहाँ पर लाइन ब्रेक्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइन ब्रेक्स में नहीं दिखा रहा है। सो इसके लिए मैं एक सोल्यूशन यहाँ पर दे सकता था, यहाँ पर मैं टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकता था। अगर आप लोग बोलोगे तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट एडिटर भी लगा दूंगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर अभी के लिए अगर मुझे यहाँ पर लाइन ब्रेक देने हो तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो इसके लिए एक मेथड होता है NL2BR, ठीक है, न्यू लाइन टू बी आर टैग। सो उसी को मुझे यहाँ पर यूज़ करना होगा। सो यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ NL2BR मेथड। ओके, और यहाँ पर भी यूज़ कर लेता हूँ, और अगर आप लोग बोलोगे तो वहाँ पर मैं टेक्स्ट एडिटर भी लगा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वालिफिकेशंस, ओके, बेनिफिट्स, ठीक है, तो अब देखते हैं वहाँ पर क्या लाइन लाइन ब्रेक्स यहाँ पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो रिलोड कर दिया मैंने यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ पर लाइन ब्रेक्स तो आ रहे हैं, पर यहाँ पर वो पूरा बी आर टैग एज ए टेक्स्ट दिख रहा है। तो इसके लिए काम हमें और करना है यहाँ पर, इस तरह से यहाँ पर हमें साइन देने हैं। ठीक है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ करना है 2 बार। इसके बाद क्या होगा कि वो जो भी HTML के टैग्स हैं उसको वो प्रॉपरली वहाँ पर फॉर्मेटेड दिखाएगा। तो वहाँ पर जो BR टैग है वो क्या है, HTML का पार्ट है। ठीक है, HTML टैग है, सो उसको अलाउ करने के लिए इस तरह से लारावेल में देना पड़ता है अपलेट फाइल में। तो अब रिलोड करेंगे, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसा यहाँ पर मैंने दिया था टेक्स्ट, ठीक है, उसी फॉर्मेटिंग में यहाँ पर भी आ रहा है। ओके, सो क्वालिफिकेशन भी डायनेमिक हो गया, बेनिफिट्स भी हमारा डायनेमिक हो गया, और ये सब आ रहा है यहाँ से। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर राइट पैनल की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमें जॉब का समरी दिखाना है, ये जॉब कब पब्लिश किया गया था, मतलब कब पोस्ट किया गया है, और वैकेंसी यहाँ पर दिखानी है, सैलरी कितना दे सकता है वो, लोकेशन, और यहाँ पर जॉब का नेचर।
तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। और यहाँ पर पहले मैं वैकेंसी दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर हमें लिखना है जॉब का वैकेंसी। ओके, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर सैलरी दे देते हैं, सैलरी। ओके, फिर यहाँ पर दोबारा से लोकेशन देना है, लोकेशन। ओके, और उसके बाद जॉब का टाइप। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, जॉब टाइप नेम। ओके, सो रीलोड करते हैं। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ गई? अच्छा, कोई ब्रैकेट यहाँ पर ज़्यादा है, ये ब्रैकेट ज़्यादा है, सॉरी भूल जाता हूँ भाई मैं। तो वैकेंसी 10, सैलरी 5 लाख, लोकेशन दिल्ली, जॉब नेचर फ्रीलांस। ओके, यहाँ तक तो सही है। और ये जॉब कब पोस्ट किया गया था तो वो भी यहाँ पर दिखाना है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा कार्बन लाइब्रेरी का, कार्बन। ओके, इसका कार्बन का पार्स मेथड के अंदर यहाँ पर मैं लिखूँगा जॉब क्रिएटेड एट, और इसके बाद हमें यहाँ पर देना होगा कि किस फॉर्मेट में मुझे डेट चाहिए। तो यहाँ पर मैं फॉर्मेट मेथड को यूज़ करूँगा। ओके, और किस फॉर्मेट में चाहिए, तो पहले डेट चाहिए, फिर ईयर, सॉरी मंथ चाहिए, फिर ईयर चाहिए। तो डी कैपिटल एम और फिर कैपिटल वाई। यहाँ पर मंथ के बाद कॉमा है। सो अभी रिलोड कर लेते हैं यहाँ पर। तो 4 जनवरी 2024। सो यहाँ पर इतना इन्फॉर्मेशन हमारा डायनेमिक हो गया। अब हमें शो करना है कंपनी डिटेल्स, तो कंपनी डिटेल्स भी शो कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमें लिखना है जॉब का कंपनी नेम। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पर हमें शो करना है जॉब का लोकेशन, कंपनी लोकेशन। ओके, और इसके बाद है कंपनी का वेबसाइट। सो यहाँ पर कंपनी वेबसाइट। तो अब इसे रिलोड कर लेते हैं। तो नेम है टेक्सोलो, लोकेशन लखनऊ, और वेबसाइट में www.xyz.com। और एक काम यहाँ पर ये कर लेते हैं कि अगर वो यहाँ पर वेबसाइट अपना देता है तो उसको हम ए टैग में दे देते हैं, ठीक है, href। और यहाँ पर वेबसाइट का URL और ए टैग में इस तरह से, ठीक है। अब रिलोड कर लेते हैं। तो अब अगर यूज़र यहाँ पर वेबसाइट पर क्लिक करेगा तो वेबसाइट के पेज पर पहुँच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि अगर अभी वो क्लिक करेगा तो देखो यहाँ पर URL क्या बन रहा है। सो इसके लिए क्या करना होगा कि यहाँ पर URL जो है हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर होना चाहिए HTTP, ठीक है, www.xyz.com। अब अपडेट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो अब अगर यहाँ पर वो क्लिक करेगा दोबारा से, ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर जब क्लिक किया तो बिल्कुल सही URL पे रिडायरेक्ट हुआ। सो URL का उसे ध्यान रखना होगा कि URL उसे सही भरना होगा जैसे मैंने वहाँ पर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जॉब का इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर लिया है। अब यहाँ पर हम लोग एक लिंक भी अप्लाई कर देते हैं बैक का। सो मैं जाता हूँ एकदम टॉप पे। ओके, सो बैक टू जॉब्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राउट जॉब्स। ओके, तो अब यहाँ पर जब वो क्लिक करेगा तो जॉब्स पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब मैं किसी और जॉब पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये दूसरा जॉब आ गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ Node.js डेवलपर जॉब पे, सो यहाँ पर हमारे पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन तो मैंडेटरी था, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिख रहा है, मतलब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिख रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंडेटरी नहीं था, ठीक है, ऑप्शनल था, तो यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है। तो हम एक काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस, बेनिफिट्स और सैलरी, ठीक है, लोकेशन कंपनी का और कंपनी का वेबसाइट, इसे हम कंडीशन में कर देते हैं, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर वो दिखेगा, अगर इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में नहीं है तो यहाँ पर वो नहीं दिखेगा, ठीक है।
मतलब ये यहाँ पर जो लेबल आपको दिख रहे हैं ना, वो लेबल ही भी नहीं दिखेंगे। सो इसके लिए मैं काम करता हूँ, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस तरह से, सॉरी, एट द रेट इफ जॉब डिस्क्रिप्शन इक्वल ब्लैंक, या फिर यहाँ पर एक मेथड भी हम चेक कर सकते थे, मतलब यहाँ पर हम एक मेथड भी लगा सकते थे, इफ़ नॉट एम्प्टी, ठीक है। सो इसको कट करना है यहाँ से और इस तरह से दे देना है। एक्चुअली जॉब डिस्क्रिप्शन तो रहेगा, इस पर कंडीशन नहीं अप्लाई करनी है, कंडीशन अप्लाई करनी है हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, ओके। और इसके बाद हमें कंडीशन अप्लाई करनी है क्वालिफिकेशंस पे, ओके। और इसके बाद हमें कंडीशन अप्लाई करनी है बेनिफिट्स पे, और इसके बाद हमें कंडीशन अप्लाई करनी है सैलरी पे। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर जॉब सैलरी यहाँ पर लिखना होगा, LI को यहाँ से कट कर लेते हैं, यहाँ पर इस तरह से पेस्ट कर देते हैं, ओके। और फिर है लोकेशन, इसको भी कंडीशन में देना होगा हमें, तो फिर से कॉपी कर लेते हैं इसे, एंड इफ सो जॉब का कंपनी लोकेशन अगर एम्प्टी नहीं है, और यहाँ पर भी अगर कंपनी का वेबसाइट एम्प्टी नहीं है, तो अब यहाँ पर रिलोड करेंगे। तो यहाँ पर जॉब समरी में हमारा कंडीशन अप्लाई हो गया, कंपनी डिटेल्स में भी अप्लाई हो गया, यहाँ पर ये लेबल्स क्यों दिखा रहा है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, इस H4 को इस कंडीशन के अंदर देना होगा, ठीक है। या फिर हम एक काम और कर सकते थे, ये पूरा डिव जो है ये ही पूरा इस कंडीशन के अंदर रख देते, ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ओके। और अपना स्पेस सही कर लेते हैं, यहाँ पे सही कर लेते हैं, और यहाँ पर भी इस मॉडिफिकेशन को अप्लाई कर देते हैं, ये मैं कट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं दे देता हूँ, और ये टिप कट करके यहाँ पर दे देते हैं, और यहाँ पर इसको भी कट कर लेते हैं, यहाँ पर दे देते हैं, और ये टिप यहाँ से कट करके यहाँ पर दे देते हैं, और अपना फॉर्मेटिंग कर लेते हैं इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से, और ओके। और तो अब यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन एंटर किया गया, तो यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, ठीक है, टाइटल दिख रहा है, लोकेशन दिख रहा है, जॉब टाइप दिख रहा है, जॉब समरी में ये जॉब कब पोस्ट किया गया वो दिख रहा है, वैकेंसी दिख रही है, लोकेशन यहाँ पर दिख रही है, जॉब नेचर दिख रहा है, ठीक है, और कंपनी डिटेल में सिर्फ कंपनी का नाम एंटर किया गया था, तो यहाँ पर कंपनी का नाम दिख रहा है, ओके। तो अब यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, सो यहाँ पर तो हमारा सारा इन्फॉर्मेशन है, तो सब यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन आ रहा है। सो फ्रेंड्स, हमारा जॉब डिटेल पेज अब कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अप्लाई जॉब फीचर पे वर्क स्टार्ट करेंगे, ओके। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।